हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, जून का लास्ट चल रहा है और दोस्तों सनफ्लावर अब इतनी अच्छी तरह से खिल रहे हैं। ये देखिए, मेरा हाइब्रिड सनफ्लावर है, मैंने आपको दिखाया था। और देखिए दोस्तों, ये है मेरा सनफ्लावर और ये मधुमक्खी इसमें से रस लेते हुए। और ये देखिए कितना बड़े साइज़ का, और इतनी हाइट ज़्यादा है कि मैं इस तक पहुँच भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाइट। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मधुमक्खी इसमें से रस लेते हुए। ये फ्लावर लगाने का एक फ़ायदा है दोस्तों कि इससे हमारे यहाँ ये मधुमक्खियाँ खूब सारी आती हैं, और अगर हमने कोई वेजिटेबल वाले प्लांट लगाए हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है ये इस तरह के फ्लावर लगाना, ताकि ये हनीबीज हमारे गार्डन में आ सके और हमारी वेजिटेबल का पॉलिनेशन कर सकें। देखिए, फिर हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है अगर इस तरह से हनीबीज वगैरह आती रहती हैं आपके गार्डन में। और ये देखिए कितने सारे फूल हैं एकदम गुच्छे में। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जून के महीने में भी दोस्तों इतने अच्छे ब्लूमिंग हो रही है, क्योंकि ये इतने हार्डी प्लांट होते हैं। सनफ्लावर है, विंका है, ये कॉस्मोस है, ये सब बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और इस तरह से ये देखिए गुड़हल का, ये हिबिस्कस भी मेरे पास बहुत सारे कलर हैं और ये भी पूरे टाइम अपनी फ्लावरिंग देते ही रहते हैं। और ये देखिए सबसे ज़्यादा हार्डी प्लांट, गर्मियों का एक तरह से किंग बोलना चाहिए इसको। देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है इसमें भी। ये तो देखिए दोस्तों हाइब्रिड है, और मेरे पास देसी वाले भी हैं, वो भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग। इसके कलर देखिए कितने प्यारे हैं, कलर देखते ही मस्त मन खुश हो जाता है इनको। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, मैं बस शुरू में अपने फ्लावर दिखाना चाहती थी। और अब चलिए हम किस टॉपिक पर बात करते हैं वो दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हल्दी। अब तक जिन लोगों ने हल्दी नहीं लगाई है, जून का महीना सबसे बेस्ट होता है हल्दी ग्रो करने का। मई में भी हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जून के लास्ट तक तो हमें हर कंडीशन में हल्दी को ग्रो कर लेना चाहिए। और अब तो हल्दी भी कह रही है कि आओ मुझे लगा लो। ये देखिए कितने अच्छे इसमें से ये स्प्राउट्स निकलने लगे हैं। ये देखिए घर में रखे रखे ही ये हल्दी ने अपने आप इंडिकेशन दे दिया है कि मुझे ग्रो करने का बिल्कुल सही समय चल रहा है। तो जून का अब लास्ट होने वाला है, तो दोस्तों इस समय बिल्कुल सही समय है, आप लोग भी हल्दी ग्रो कर लीजिए। मैंने तो लगा ली है, लेकिन उसके बाद भी ये बीज बच गया है। देखिए दोस्तों, हल्दी का बीज आप मार्केट से खरीद सकते हैं, आपको कहीं भी खुले रेट में मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास, अगर आपके पास हल्दी रखी है तो इस तरह से अपने आप ही उसमें से जो पुरानी आपने पिछले साल हल्दी लगाई है, मेरे पास तो वही रखी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था पिछले साल मैंने हल्दी लगाई थी और कितनी अच्छी मेरे पास ग्रो हुई थी। और ये बीज मैंने कहीं भी फ्रीज़र वगैरह में नहीं डाले थे, ऐसे ही रखे हुए थे और खुले रखे हुए थे। और देखिए कितना अच्छा स्प्राउट इसमें निकला है। तो आपके पास भी अगर पुरानी हल्दी रखी है तो आप उसी का बीज लगा सकते हैं, अच्छी हल्दी का बीज होना चाहिए बस थोड़ा सा। देखिए, और इसको लगाना कैसे है, मैं तो ग्रो कर चुकी हूँ तो आपको बस बता देती हूँ। ये मेरे पास खाली एक पॉट पड़ा हुआ है, मिट्टी आपको ऐसी बनानी है बिल्कुल पोरस मिट्टी, जो पानी उसके अंदर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। और मैं 50% मैंने मिट्टी ली है, 20% इसमें कंपोस्ट डाला है, 10% मैंने इसमें रिवर सैंड डाला है, 10% कोकोपीट है, और बाकी उसमें नीम खली फंगीसाइड वगैरह मैंने ऐड कर दिया है। तो देखिए बस मैं आपको बता देती हूँ कि आपको हल्का सा मिट्टी को पोरस रखना है और कैसे ग्रो करनी है वो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। देखिए ये जो स्प्राउट वाला हिस्सा है इसको ऊपर करना है और इसको ये इस तरह से लगा के दबा देना है मिट्टी में। ये देखिए ये चीज़ इसकी ऊपर ही रखनी है आपको। ये देखिए देखिए दोस्तों, मैंने ये हल्दी लगा दी है, ये आपको दिख रहे होंगे स्प्राउट निकले हुए ऊपर, तो इनको बस हल्का सा ऊपर निकलने देना है ये इस तरह से। और अब थोड़ा पानी लगा देना है, पानी दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा नमी बना के रखना है, मिट्टी को बिल्कुल नहीं सूखने देना है, नहीं तो ये स्प्राउट जो है सूख जाएंगे। और एक हफ्ते के बाद ही आप देखेंगे इनमें हल्के हल्के पत्ते नजर आने लगेंगे। चलिए मैंने जो हल्दी ग्रो की है वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने हल्दी को ग्रो किया था, ये देखिए इतनी बड़ी हो चुकी है एक महीने के अंदर। ये देखिए कितना अच्छा इसकी बिल्कुल हेल्दी लीव्स आ रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी। और ये देखिए नए नए शूट निकलते हुए। तो इस तरह से आप भी हल्दी लगा लीजिए, और हल्दी को कम से कम 8 महीने चाहिए होते हैं मैच्योर होने के लिए, तो जून का महीना बिल्कुल सही है
आप इसमें हल्दी लगाइए, और धूप बिल्कुल धूप वाली जगह पे ही रखना है हल्दी को, छाया में नहीं रखना है। चलिए तो आप लोग भी हल्दी लगाइए अपने अपने गार्डन में।